क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अब ये भी वही टाइप का इक्वेशन है, जी एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 2। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², देयरफॉर -1/x² + 2 का होल स्क्वायर, और x² का डेरिवेटिव 2x। Therefore, g dash x is equal to -2x (x²+2)-2 हो जाएगा। ये टर्म को मैं ऊपर ले लेता हूँ। अब मैं उसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रूल्स अप्लाई होगा। तो 2x कांस्टेंट, अब इसका डेरिवेटिव तो -2 आगे आ जाएगा, -2 -1 दैट इज -3, x² का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, प्लस ये टर्म x² + 2 - 2 एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2। ओके, यानी कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। अब ये सेकंड डेरिवेटिव का आप सिंप्लीफाई नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको जो x की वैल्यू मिलने वाली है वो सेकंड डेरिवेटिव में ही रखना है। x की वैल्यू जो आती है वो उसके अंदर ही आपको पुट करना है, तो उसका सिंप्लीफाई नहीं देंगे तो भी चलेगा। चलो, अब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 को हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव में मैं x की जगह पे 0 पुट कर लेता हूँ, तो ऐसा कुछ टर्म आता है -1/2। कैसे आता है मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से। सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे आपको 0 पुट करना है, जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पे 0। तो x की जगह पे 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। x की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो 2^-2 होगा, 2^-2 दैट इज 1/4 और इंटू में 2, यानी कि 1/2 होगा कि नहीं होगा। यानी कि मैंने वही स्टेप इधर लिखा है, x की जगह पे 0 पुट करने से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आती है, -1/2। इट इज़ अ लेस देन, देयरफॉर वी से दैट जी हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। यानी कि ये फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू जी ऑफ 0 1/0 + 2 दैट इज 1/2। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x(√1 - x). यही मेथड अपनी, फर्स्ट डेरिवेटिव इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रूल्स अप्लाई करते हैं, x कांस्टेंट, रूट का डेरिवेटिव 1/2√, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, प्लस √1 - x एज इट इज़, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा। अब इसका सिंप्लीफाई, यानी कि इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, ये टर्म पूरा इधर आएगा एलसीएम में, -x + 2 × 1 - x, -x + 2 - 2x, therefore 2 - 3x। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव में इन दोनों के बीच में मैं डिवाइड का रूल से अप्लाई कर रहा हूँ, u/v, तो पहले मैं अपॉन का जो टर्म है वो एज इट इज़, ऊपर का टर्म का डेरिवेटिव, तो 2 का डेरिवेटिव 0, -3x का -3, बीच में क्या आएगा माइनस। अब ऊपर का जो टर्म है 2 - 3x एज इट इज़, और अपॉन का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2√1 - x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का -1। अब इसका मैंने सिंप्लीफाई दिया है, यदि आप इस टाइप का सिंप्लीफाई नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि x की जो वैल्यू आती है उसमें ही पुट आपको करने की है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सपोज करते हैं। देखो, फर्स्ट मैंने सेकंड डेरिवेटिव का सिंप्लीफाई दिया है मैक्सिमम, आपको देना है तो दे सकते हैं, वरना तो एक दो स्टेप लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0,
तो 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, ये टर्म सामने जाएगा, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। अब x इज इक्वल टू 2/3 को हम सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं। मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का मैंने सिंप्लीफाई बहुत ज़्यादा दिया था, मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव था 3x-4, यहाँ पे x की जगह पे आपको 2/3 पुट करना है, तो 3 कट हो जाएगा, तो 2-4, तो 2-4 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 1/3 रेस टू 3/2, यानी कि जो भी होगा नेगेटिव ही आने वाला है। सेकंड डेरिवेटिव कैसा आएगा? नेगेटिव। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिलती है? एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2/3। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप निकालेंगे, x की जगह पे 2/3 पुट करेंगे। हमारा जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे 2/3 पुट कर दीजिए, 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, 3 × 1 = 3 यानी 1/√3, यानी आपका आंसर हो सकता है 2/√3। उसका थोड़ा मैंने आंसर आपका हो सकता है 2/√3, उसके बाद √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करके पूरा सिंप्लीफाई करके 2√3/9। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सम एक ही मेथड के हैं। फिर से आपको बताता हूँ कि आप अपनी तरह से सम करना, जब नहीं मालूम पड़ता है तब भी आप वीडियो देखना और अपनी PDF यहाँ से भेजी गई है वो देखना। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम आगे का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है वो भी बहुत इजी बातें हैं, कुछ है नहीं इसमें भी। प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये जो फंक्शन है उसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो fx इज इक्वल टू e^2x, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव e^2x होगा, सेकंड डेरिवेटिव वो भी e^2x होगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू, मैं 0 सपोज करता हूँ, तो e^x इज इक्वल टू 0। अब e^x इज इक्वल टू 0 वो तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखो तो e^2, a^1, e की वैल्यू आपको मालूम है, e इज इक्वल टू 2.73 होता है समथिंग, अप्रोक्सीमेटली e की वैल्यू कितनी होती है 2.7343 ऐसा सब कुछ लिखते हैं, उसके पावर में आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो 0 होने ही नहीं वाला है, यानी कि e^x इज इक्वल टू 0 होना इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर f हैज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चलो अब सेकंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू log x, उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, g(x) इज इक्वल टू 1/x, उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं -1/x². अब फर्स्ट डेरिवेटिव g(x) इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। Therefore, g has no maximum minimum value. Okay, student? ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, hx is equal to x³ + x² + x + 1, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 3 आ जाएगा 3x², 2 आएगा तो 2x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, उसका सेकंड डेरिवेटिव 3x² का 6x और 2x का 2। चलो अब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सपोज करते, तो 3x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, एक टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac, एक्स का कोफिशियंट 2 का स्क्वायर 4, ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 1, सिंप्लीफाई दूंगा तो 4 - 12 - 8, इट इज़ अ लेस देन 0, इट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन है, वैसे देखा है तो d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन वो सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है,
और हमारा जो ये चैप्टर यानी कि पूरा अपना जो बात कर रहे हैं वो रियल नंबर में कर रहा है, ओके। देयरफॉर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलती है, रियल नंबर नहीं मिलती है। देयरफॉर एक्स हैज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आज हमने यहाँ तक बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पूरी एक्सरसाइज 6.5 अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, क्योंकि 6.5 के कोई भी एक सम, उस टाइप का, इस टाइप का कोई भी सम आपको 4 मार्क के अंदर एग्जाम में पूछते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छी तरह से होमवर्क करना, अच्छी तैयारी करना। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।